हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका रिक्वेस्ट आया हुआ है कि किस प्रकार से हम परचेज में जो हम स्टॉक आइटम बनाते हैं उसमें यूनिट और शुगर में जो है उसकी यूनिट रख दी किलोग्राम। तो अगर हम उसे सेल्स वाउचर में उसे बेचने का काम करेंगे तो उस समय हम अगर ग्राम में बेचना चाहें तो कैसे बेचेंगे, यूनिट तो हमने बनाई नहीं है, और अगर यूनिट बना भी ले तो वो कैसे ऐड होगा उसमें। ये सारे डाउट्स ये वीडियो क्लियर कर देगा आपकी। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा कंपनी क्रिएशन तक, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस इस नाम से एक हमारे पास कंपनी मौजूद है पहले से, इसमें कोई एंट्री नहीं हुई है, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमने ये कंपनी ली हुई है। अब इस कंपनी में जाने के बाद हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जी हाँ, रिसिप्ट वाउचर में चलना है और वहां पर जो भी कैश है उसको इसमें रिसीव कराना है। तो यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना होगा, लेजर यानी खाता बनाना। तो सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट, एंटर प्रेस किया और ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ सी प्रेस कीजिए, ये कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं यहाँ से। यहाँ स्टेट वगैरह पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं आप, यहाँ पैन नंबर डाल सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन आपने कराया है जीएसटी में तो यहाँ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल कितने से स्टार्ट कर रहे हैं आप, अपना काम कितने से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 लाख रुपए से। तो यहाँ 5 लाख रुपए हमने दे दिया है, ठीक है। डेबिट, डेबिट में हमेशा कैश आएगा तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से दिया होता है। एंटर प्रेस किया हमने, अब यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं, द बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश रुपीज 5 लाख, ये लिख सकते हैं आप, फिलहाल मैं खाली छोड़ देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये हमारा कैश रिसीव हो चुका। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है अकाउंट इन्फो पर। तो यहाँ ऊपर अकाउंट इन्फो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एंटर प्रेस करते हैं और आना है लेजर्स में, यहाँ लेजर हमें बनाने हैं। तो सारे लेजर यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करते हैं, परचेज अकाउंट, ओके। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और ये अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, पी प्रेस करेंगे, ये आ गया परचेज अकाउंट। तो यहाँ परचेज अकाउंट कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और इसको अब एक्सेप्ट करा लेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सर्विसेज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल और इंटर प्रेस कर देते हैं, ये हो गया। अब सेल्स अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, तो यहाँ लिखा सेल्स अकाउंट, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे एस प्रेस करेंगे तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे सेल्स अकाउंट रखिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर फिर से गुड्स रखना है आपको, एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पर सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना लेते हैं। तो क्रेडिटर मैं लिखता हूँ पहचान के लिए, कि पहचान हो सके कि ये कौन से पार्टी का लेजर था, क्रेडिटर राम कर देता हूँ, ओके। तो ये क्रेडिटर पार्टी है, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, एस प्रेस करेंगे, यहाँ एस वाले सारे ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस रखिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर जो भी है एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं आप, मैं फिलहाल छोड़ता हूँ इसको, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर हो गया। अब यहाँ पर डेटर पार्टी का लेजर बनाएंगे, तो यहाँ डेटर मैं लिख देता हूँ श्याम, तो श्याम जो है डेटर पार्टी है, यहाँ डेटर पार्टी का भी लेजर बनाएंगे और ये जाएगा सन्ड्री डेटर, तो यहाँ सन्ड्री डेटर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लिया, मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस रहेगा और यहाँ पर जो भी एड्रेस वगैरह है आप एड्रेस वगैरह डाल लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो अभी हमने सारे लेजर बना लिए, अगर कुछ छूटा होगा तो आगे चल करके हम बनाएंगे जहां पर हम एंट्री करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर, यहां से आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर, वी प्रेस करेंगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हमें अकाउंटिंग वाउचर में परचेज वाउचर के लिए यहां पर माउस से क्लिक कर देना है या F9 प्रेस कर देना है, तो यहां क्लिक कर देते हैं। यहां पर जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो डाल देते हैं, डेट यहां पर डाल देते हैं, अगर मान लीजिए 2 अप्रैल के डेट में ये चीजें हो रही हैं तो यहाँ पे 2/4/2020 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 अप्रैल के डेट में ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 1 ही अप्रैल में हो तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख करके एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं, ठीक है।
और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर पार्टिकलाइजर, तो यहाँ संडे क्रेडिटर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, और यहां पर इंटरप्रेस करते हुए यहां पर आ जाएंगे परचेस का लेजर, यहां बना रखा है हमने, परचेस अकाउंट कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर स्टॉक आइटम हमें बनाना है, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, यहां पर स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हम शुगर खरीद रहे हैं, तो शुगर लिखा हमने, इंटरप्रेस किया, यहां पर अंडर प्राइमरी में इसे रखेंगे, ठीक है। यहां यूनिट है तो यूनिट एप्लीकेबल नहीं है, यहां से यूनिट बना लेते हैं हम, जो भी यूनिट बनानी है यहां पे सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, तो यहाँ पे केजी कर देते हैं, तो केजी कर दिया हमने, इंटरप्रेस किया, फॉर्मल नेम किलोग्राम कर देते हैं, इंटरप्रेस किया केजी, के प्रेस करेंगे यहाँ किलोग्राम आ जाएगा, इंटरप्रेस करेंगे, और यहाँ पर थ्री कर देते हैं डेसिमल पॉइंट, इंटरप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर यूनिट्स आ रहा है, अल्टरनेट यूनिट वाला कॉलम जो है मैंने यस कर रखा है, अगर आपके में ये शो नहीं हो रहा है तो यूनिट्स पे रहते हुए आपको F12 की प्रेस करना है, जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको यूज अल्टरनेट यूनिट्स स्टॉक आइटम्स दिखाई दे जाएगा, ये नो होगा आपका, इस पे जाकर के वाई प्रेस कर दीजिए, ये यस हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये यस हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट भी बनाना है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट बनाना है, तो हमने क्या बनाया था, किलोग्राम, अब ग्राम बनाते हैं, तो यहाँ लिखता हूं मैं ग्राम, और यहाँ पे जी प्रेस करेंगे तो ग्राम भी आ जाएगा, और यहाँ पर ग्राम दे देते हैं, और यहाँ पर दो रख लेते हैं डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कितने ग्राम बराबर एक किलोग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम, तो यहाँ 1 किलोग्राम कर देते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, गुड्स रखेंगे यहाँ पे, और इंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे गोडाउन मैंने चालू रखा है, तो गोडाउन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने कोई गोडाउन अभी बनाया नहीं है, चालू जरूर रखा है लेकिन गोडाउन अभी नहीं बनाया, तो यहाँ पे मेन लोकेशन आ जाएगा। अगर आप गोडाउन बनाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, मैं यहाँ पे देवरिया गोडाउन बना लेता हूँ, देवरिया गोडाउन में हम अपना सारा माल रखेंगे, ये जाएगा मेन लोकेशन में, तो यहाँ मेन लोकेशन कर देते हैं, इंटरप्रेस करते हैं और एक्सेप्ट करा लेते हैं इसको। क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं हम, तो यहाँ 500 किलोग्राम हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और रेट क्या है, 40 रुपए किलो के हिसाब से ये शुगर हम खरीद रहे हैं। डिस्काउंट का कॉलम भी मैंने चालू कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको डिस्काउंट हम नहीं देंगे, इंटरप्रेस करेंगे और इसको नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमें सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह वगैरह का लेजर बनाना होगा। हमने अभी क्या नहीं किया, हमने अभी जीएसटी का ऑप्शन चालू किया नहीं है, तो हम चाहे तो जीएसटी का, और यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहां से हमें प्रेस करना है F11। F11 प्रेस करते ही कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होगी, स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आइएगा, यहां पर यस कर देंगे इसको, और यहां पर भी यस रखेंगे, और इंटरप्रेस करते हुए देखिए हम रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन डीलर, 3 महीने 6 महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं, हम रेगुलर डीलर है इसीलिए हम यहाँ पे रेगुलर चूज करेंगे। यहाँ पे जीएसटी आईएन नंबर जो कि आपके पैन नंबर से मिलता जुलता एक नंबर होता है वो डाल देंगे, इसको वेरीफाई करेगा टैली, इंटरप्रेस करेंगे, 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हो रहा है। मंथली हम जीएसटी फाइल करेंगे, ईवे बिल को नो रखते हैं अभी, और यहाँ पर आकर के सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कह रहा है, तो एचएसएन कोड हम क्या ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, यहाँ पे मैं शुगर ही लिख देता हूँ, और एचएसएन कोड इसका जो भी है, ये हर एक चीज का एक अलग एचएसएन कोड होता है, फिलहाल मैं डमी एचएसएन कोड डाल दे रहा हूँ, इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे कि एचएसएन कोड क्या होता है, कैसे होता है, और यहाँ टैक्सेबल रखना है आपको। देखिए अननोन तो रखना नहीं है, एग्जेम्प्टेड, निलेटेड, निलेटेड का मतलब जीएसटी लगेगा लेकिन 0%, एग्जेम्प्टेड जो जीएसटी के कैटेगरी में नहीं आता है उसे हम एग्जेम्प्टेड कहते हैं, ठीक है। चलिए टैक्सेबल कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ टैक्सेबल कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर कितना परसेंट लगेगा, 12% यानी 6% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने, इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा, तो जीएसटी हमने इनेबल कर लिया है। अब हम चलेंगे वापस वहां पे परचेस वाउचर में, तो यहाँ परचेस वाउचर और 777 नंबर का हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर है, 1 अप्रैल को ही हम ये खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, एड्रेस डाल देता हूं मैं, लोकल की ही पार्टी है, जीएसटी आई एन नंबर अगर है तो डाल देंगे।
यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट का लेजर। यहाँ पर क्या होगा, जो स्टॉक आइटम हमने बनाया शुगर, तो यहाँ देखिए शुगर आ रहा है, एंटर प्रेस किया हमने। किस गोडाउन से लेंगे, देवरिया गोडाउन से लेंगे, देवरिया गोडाउन मैंने बना रखा है, आप चाहे तो और भी गोडाउन बना सकते हैं। 600 किलोग्राम मान लीजिए इस बार हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं शुगर, ठीक है, और रेट है 40 रुपए किलो, और 40 रुपए किलो के हिसाब से 24,000 का शुगर हमने खरीद लिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर हमें अल्टरनेट यूनिट बनाया था, आपको याद होगा अल्टरनेट यूनिट, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए सीजीएसटी आ गया, तो यहाँ 1440 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा लेते हैं, क्योंकि एसजीएसटी का लेजर हमने बनाया नहीं, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, एसजीएसटी कर लेते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और जीएसटी के अंतर्गत ये आएगा, और यहाँ पर आएगा स्टेट टैक्स, ओके। एंटर प्रेस करेंगे, राउंडिंग में आ जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1440 रुपए आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कराना है, ठीक है, एक्सेप्ट करा लिया जाए, तो इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, यहाँ न्यू रेफरेंस रखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। नरेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब इसको देखना होगा तो कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू पर आकर यहाँ पे दो बार डी प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये जो आपकी एंट्री है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हमको चलना है, इसी को सेल करना है, ठीक है। तो सेल करने के लिए कहाँ चलेंगे, वाउचर में जाएंगे तो वी प्रेस करेंगे, और F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर 344 नंबर का जो है रेफरेंस नंबर हम दे देते हैं, और यहाँ पर चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी डेट पे आप ये काम कर रहे हो बेचने का, वो यहाँ पे दे सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल मैं यही डेट रहने देता हूँ, और यहाँ पर जो है अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ से डेट चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ इसको ऐसे ही। अभी देखिए यहाँ पर पार्टी का नेम आ रहा है, तो पार्टी के नेम में यहाँ पर आएगा सन्ड्री डेटर पार्टी, तो यहाँ डेटर पार्टी का लेजर ले लिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर इनका एड्रेस डाल सकते हैं हम, तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो इंटर स्टेट का मामला है, तो भोपाल कर देते हैं, यानी कि भोपाल MP यानी मध्य प्रदेश का ये एड्रेस है, यहाँ इंडिया रहेगा, यहाँ एम प्रेस करेंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, ले लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, अगर GSTIN नंबर है तो डाल देंगे। यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब जो आइटम हमने खरीदा था उसको लेते हैं, शुगर, ठीक है, यानी इंटर स्टेट का मामला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देवरिया गोडाउन से ही माल जो है सप्लाई हुआ है इनको, ठीक है। तो मान लीजिए 300 किलोग्राम ये खरीद रहे हैं, या फिर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये आधा किलो सामान खरीदे तो कैसे इसमें हम देंगे आधा किलो, तो यहाँ 0.500 कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं इसको। अब ये केजी है, देख रहे हैं केजी है, और इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 500 ग्राम यहाँ पे आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि हमने सेल्स में जो यूनिट बनाई थी उसके हिसाब से हम इसमें कुछ चेंजिंग भी कर पा रहे हैं, यानी किलोग्राम में है तो उसको हम ग्राम में भी बेच सकते हैं। और रेट क्या है इसका, जो भी रेट है, जैसे मान लीजिए 40 रुपए खरीदा तो 45 रुपए कम से कम हम बेचेंगे, तो ये 45 रुपए हमने कर दिया, और एंटर प्रेस किया, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर जो है सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इंट्रास्टेट का मामला है, इंट्रास्टेट का, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और आईजीएसटी का लेजर भी बना लीजिए। तो यहाँ आईजीएसटी बना लिया हमने, और यहाँ पे जीएसटी लगा देंगे, और जीएसटी लगाने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स कर देंगे, और यहाँ पर राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, और यहाँ पे लिमिट 2 कर देते हैं हम, ठीक है, एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 रुपए टैक्स आ रहा है, यानी 22 रुपए पे 2 रुपए टैक्स आ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 रुपए पे कितना टैक्स आ रहा है, 2 रुपए टैक्स आ रहा है। अब फिर मान लीजिए कि एक बार आपने खरीदा, फिर दोबारा से अगर शुगर खरीदना हो तो क्या करेंगे, दोबारा से आ गए, ठीक है, मैं वहीं देवरिया गोडाउन लेता हूं, और इस बार हम 200 किलोग्राम खरीदेंगे, तो यहां 200 किलोग्राम हो गया, और रेट वही 45 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब हम किलोग्राम में भी खरीद पा रहे हैं इसी चीज को, और उसी के हिसाब से आपका आईजीएसटी भी कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये हम किस प्रकार से ऐसा काम कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरेंस नंबर वगैरह दे देंगे, और यहाँ पर नरेशन चाहे तो दे सकते हैं, मैं फिलहाल इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको देखना है तो गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए और दो बार डी प्रेस कीजिएगा, तो परचेज और सेल्स दोनों दिख जाएगा आपको। ये परचेज है, आप देख सकते हैं 26,880 रुपए की खरीदारी हुई है। और अब सेल्स की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए ये सेल्स है, सेल्स यानी बिका कितने का है, अभी आपने पूरा माल नहीं बेचा है, लेकिन फिर भी आपने 200 किलोग्राम और 500 ग्राम और भी माल यहाँ पे बेचा है। यहाँ पे देख सकते हैं 200
10.5 किलोग्राम यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए 10,104.50 का माल आपने सेल किया है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जो भी व्यूअर ने कमेंट किया था उनकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।